चलिए ब्रो करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की वीर गाथा परियोजना के तहत देश भर में 25 विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया है। इनमें कर नगरी करनाल की रिया ग्रोवर का नाम भी शामिल है, जिन्हें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री की ओर से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्रा रिया ने परियोजना में प्रतिभागिता करते हुए शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन वरुण सिंह पर अपना प्रोजेक्ट दिया था। रिया ग्रोवर 11वीं कॉमर्स की छात्रा है। छात्रा की इस उपलब्धि से उसके घर और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छात्रा ने बताया है कि उन्होंने कैप्टन वरुण सिंह के जीवन पर आधारित एक वीडियो तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कैप्टन की शौर्य गाथा को शामिल किया था। रक्षा मंत्रालय की ओर से अब उनके सुपर 25 विद्यार्थियों में चयन की जानकारी दी गई है। तो आज जिन रिया ग्रोवर की हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। रिया, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। रिया, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको रक्षा मंत्री की ओर से सम्मानित किया जाने वाला है। थैंक यू सो मच। अच्छा रिया, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है कैप्टन वरुण सिंह के ऊपर, आप उनसे बहुत इंस्पायर भी करती हैं, जाहिर सी बात है, आपने अपनी स्टोरी में ये बात कही है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जरा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, एक्चुअली बात शुरू हुई थी माय दादाजी who has served in the Indian Air Force, उन्होंने 35 years serve किया, तो वो बचपन से मुझे stories बताते थे अपने wars की जो उन्होंने देखी थी, and मैं हम बचपन से ही flying से बहुत fascinated थी, so जब December 2021 में जब the news of the crash with जिनका General Bipin Rawat का हुआ था, so I read about Wing Commander now Group Captain Varun Singh. So I read about his letter which he wrote to his old principal, और फिर बहुत सारी उनकी जो courage और bravery, it got imprinted in my mind. And I kept on reading about him on such brave people, इतने stressful time में who have been able to maintain their composure. So when my director principal ma'am mentioned the Veer Gatha project to me, I decided to express my feelings and gratitude through the video. Okay, Riya, मेरा next question आपसे ये है कि basically इस project का motive क्या है, आपसे जानना चाहेंगे? इस project का motive, I think, to inspire people to learn more about the armed forces, to instill that bravery, that desh bhakti in them, which is जो अभी इतनी है नहीं. जनरली लोग सोशल मीडिया पे, इस समय के छात्र जो है सोशल मीडिया ट्रेंड्स टिकटॉक इसमें लगे हुए हैं, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स टाइम। ओके रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इस कंपटीशन के बारे में जरा बता सकते हैं कि पूरे अगर देश भर से बात की जाए तो कितने स्कूल के स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, और आपके स्कूल से कौन कौन गया था? आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया से अराउंड 20 लाख एंट्रीज गई थी, एंड आई थिंक मेरे स्कूल से फॉर माय वीडियो आई थिंक 2-3 पीपल हैड एंटर्ड इन द कंपटीशन। ओके तो रिया, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कैप्टन वरुण सिंह को ही क्यों चुना कि उन पर एक वीडियो बनाना है आपको? जैसे कि मैंने बताया, मतलब उनमें एक बात, ही वॉज अ फाइटर टिल हिज लास्ट ब्रेथ, एज नरेंद्र मोदी हैज ऑल्सो सेड, हिज करेज हिज ब्रेवरी, ही केप्ट इवन एट द पेरिल ऑफ हिज लाइफ, ही केप्ट हिज काम एंड कंपोजर, ही लैंडेड एन LCA जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, without any you know thinking about other people, and then he safeguarded the safe civilian property and the population on ground, that's why he was awarded the Shaurya Chakra. तो जब आपको ये पता चला कि आपको सम्मानित किया जाना है, तो उस टाइम आपकी क्या कुछ फीलिंग रही? जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा लगा होगा, किसी को भी अच्छा लगेगा सुन के कि आपको रक्षा मंत्री की ओर से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जुबानी जानना चाहेंगे।
एक्चुअली मैं उस समय ट्यूशन में थी जब मुझे पता चला, एंड आई वाज सो ओवरवेल्ड. मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल थी. सब पूछ रहे थे यार क्या हुआ क्या हुआ, व्हाई आर यू स्माइलिंग सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर माय स्कूल, माय फैमिली एंड माय सेल्फ. जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना खास कीमती वक्त आपने हमें दिया था. तो ये हैं रिया ग्रोवर, जिन्हें आने वाले कुछ समय में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री की ओर से सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आपको बता दें, कैप्टन वरुण सिंह के ऊपर. उनके जीवन के बारे में जानकारी जो है उस वीडियो में दी गई है. तो रिया का साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपने दादाजी से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने इस वीडियो को बनाया है इस प्रतियोगिता में, और अब उन्हें सम्मानित किया जाने वाला है रक्षा मंत्री की ओर से.